फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। 11 दिन यह सिर्फ एक पत्ता चबा कर खा लो, वात पित्त कफ दोष दूर हो जाएंगे। 100 साल तक शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, अस्थमा और दिल की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे और उनके पत्तों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस एक पत्ते को हर रोज सुबह खाली पेट चबा कर खाते हैं और ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर को जो चमत्कारी फायदे होंगे उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि इस एक पत्ते को हर रोज सुबह खाली पेट चबा कर खाने से आपके वात पित्त और कफ दोष दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी मैक्सिमम बीमारियां आती हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं वात का बिगड़ना, कफ का बिगड़ना और पित्त का बिगड़ना होता है। यानी इन तीनों दोषों के कारण ही हमारे शरीर को कोई ना कोई बीमारी जन्म लेती है। हर बीमारी का कारण यही तीनों दोष होते हैं। पहला तो छोटी छोटी बीमारियों का जन्म होता है, उसके बाद वही बीमारियां बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, पेट की बीमारी, मोटापा। इस तरह से दोस्तों, एक पत्ते को खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं, यदि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति ज्यादा होगी तब आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। वो पौधा है दोस्तों गिलोय का। ये आपको आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, गिलोय एक बेल होती है। गिलोय को अमृता के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए एक अमृत के समान औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसके गुणों को भी अपने अंदर ले लेती है। इसीलिए नीम पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर गिलोय के गुण तो होते ही हैं, साथ ही साथ नीम के गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। गिलोय के अंदर कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्ती, जड़ और तना तीनों ही भाग हमारी सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। इन सब का उपयोग अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ में इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ये बुखार ही नहीं, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों और दिल की बीमारियों के लिए भी बेहद कारगर औषधि है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, गिलोय उनमें से एक है जो आपकी वात पित्त और कफ तीनों ही दोषों को दूर करती है। ये हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े हुए रोगों को भी दूर करती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं गिलोय के चमत्कारी फायदों के बारे में। कितनी मात्रा में सेवन किया जाता है? एक स्टडी से ये चीज सामने आई है कि गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गिलोय के एक पत्ते को चबाकर खाने से ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में काफी मदद मिलती है। इंसुलिन का स्तर बॉडी में बढ़ने लगता है। इसीलिए डायबिटीज रोगी को रोजाना गिलोय के पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आप चाहे तो इसका एक पत्ता लीजिए और सुबह खाली पेट इसे चबाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। नहीं तो आपने जो इसकी बेल होती है उसका 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेना है, उसे किसी भी चीज से कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए हल्का हल्का, और एक गिलास पानी में उबाल कर ये पानी जो चाय या काढ़ा जो भी आप कुछ कहें इसे बनाकर आप पी लीजिए। हल्का सा गुनगुना जरूर कर लीजिए। जब पानी उबल जाएगा तो बहुत तेज गर्म हो जाता है ना, तो हल्का सा गुनगुना करके, मतलब हल्का सा ठंडा करके, उसके बाद आपने सुबह खाली पेट इसे पीना है। ऐसा करने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है और शुगर के कारण होने वाली और जो कॉम्प्लिकेशंस है आप उनसे भी बचे रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनके भी जोड़ों में दर्द होता है, गठिया वाई की समस्या हो चुकी है, उनको तो रोजाना गिलोय का सेवन जरूर करना है। उनको गिलोय की बेल जो होती है ना, उसका 4 से 5 इंच का टुकड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रश करके एक गिलास पानी में उबालिए, छान लीजिए और इसको हल्का सा ठंडा करके इसके अंदर 4 चम्मच एलोवेरा जूस मिक्स करके अगर कोई इंसान लेता है तो उसका RA फैक्टर नॉर्मल आ जाता है, ESR नॉर्मल आ जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने इसका सेवन लगातार 1 महीना जरूर करना है। दोस्तों, डेंगू से बचे रहने के लिए, डेंगू बुखार जो होता है ना, उससे बचे रहने के लिए गिलोय एक अमृत की तरह काम करती है। डेंगू हो जाता है तो बहुत तेज बुखार आता है, तो गिलोय के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। आपको अपने आप को डेंगू से बचाने के लिए रोजाना गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा
ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारती है। पाचन से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जैसे कि गैस, अपच, एसिडिटी, इन सभी समस्याओं को ये गिलोय दूर कर देती है। गिलोय का काढ़ा पेट की सभी समस्याओं को दूर करता है, कब्ज हो, अपच से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों आपको इसका सेवन लगातार 15 दिन जरूर करना है। इसके अलावा इसका काढ़ा बनाकर पीने से या फिर इसका रोजाना एक पत्ता चबाकर खाने से पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। दोस्तों गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण भी पाए जाते हैं। अगर किसी इंसान को खांसी बहुत जल्दी होती है, बार बार खांसी होती है, तो उनको रोजाना गिलोय की जो बेल होती है उसका काढ़ा बनाकर 4 से 5 इंच का टुकड़ा ही लेना है, तो उस तरीके से अगर आप रोजाना उसका काढ़ा बनाकर पानी बनाकर पीते हैं तो खांसी जो होती है इसके अलावा जो एलर्जी है किसी भी चीज की वो दूर हो जाएगी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा कर रखता है। गिलोय का जूस या फिर इसके पत्तों को चबाकर खाने से सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी नहीं होती। दोस्तों पीलिया जो होता है ना, जॉन्डिस, उसमें गिलोय का सेवन करना बहुत अच्छा है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया का बुखार हो या पीलिए के कारण आपको और समस्याएं आ रही हो तो उसमें भी ये चमत्कारी फल देता है। दोस्तों ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है या फिर महिलाओं में ज्यादातर खून की कमी रहती है तो उनको रोजाना गिलोय का जूस का सेवन रोजाना करना चाहिए या फिर इसका एक पत्ता चबाकर खाना चाहिए। ये खून को साफ भी करता है। कभी कभी खून साफ ना होने के कारण युवाओं में या फिर वैसे भी लोगों में फेस पर पिंपल होने लगते हैं, डार्क सर्कल होने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं, एजिंग इफेक्ट्स ज्यादा दिखने लगते हैं, तो उनको रोजाना गिलोय का एक पत्ता या फिर इसकी जो बेल है उसका काढ़ा बनाकर रोजाना लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल ये एक इतनी गलत बीमारी है जो कि हार्ट प्रॉब्लम को पैदा करती है, नसों की ब्लॉकेज को पैदा कर देती है और हार्ट अटैक का कारण बनती है। यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर जान तक का खतरा आ जाता है। तो अगर आप रोजाना गिलोय की बेल का 4 से 5 इंच के टुकड़े को एक गिलास पानी में उबाल कर उसे हल्का सा गुनगुना करके सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आने देगी। इतना ही नहीं, ये पूरी बॉडी की नसों में कहीं ब्लॉकेज नहीं आने देगी, इसीलिए इसका सेवन आपको जरूर करना है। ये गिलोय एक एंटी अर्थराइटिस गुण की तरह काम करती है। इन्हीं गुणों के कारण गठिया रोगियों को रोजाना इसका सेवन करना है, खासतौर पर वो लोग जिनके जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, जोड़ों के अंदर ग्रीस खत्म हो चुकी है। गिलोय के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर में होने वाली सूजन को दूर करते हैं। सूजन के कारण कभी कभी घुटनों को मोड़ने में या हाथों को मोड़ने में या फिर अपने हथेलियों को मोड़ने में, मुट्ठी बंद करने में समस्या आती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर कभी कभी फैटी हो जाता है, लीवर कभी कभी डिटॉक्स नहीं कर पाता चीजों को, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं कर पाता, तो उन सभी के लिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना गिलोय का सेवन आपको जरूर करना है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। दोस्तों लीवर हमारे शरीर के लिए एक इंजन की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर का इंजन सही तरह से काम करेगा तब हमारे शरीर भी सही तरीके से काम कर पाएगा। दोस्तों यदि आपको वात, पित्त और कफ से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो इन सभी समस्याओं से दूर है तो आप हमेशा निरोग रहेंगे। आपने क्या करना है, रोजाना सिर्फ इसका एक पत्ता धोना है, साफ करके इसे चबाकर खा लेना है सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। इसके आधे घंटे के बाद आप किसी भी चीज का सेवन कर सकते हैं। हाँ, इसे चबाने के बाद ऊपर से आपने गुनगुना पानी बैठकर जरूर पीना है। दोस्तों यदि आपने ऐसा किया तो आपको बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, इम्यूनिटी पावर बहुत बूस्ट हो जाएगी, मोटापा दूर हो जाएगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, आप पेट के रोगों से बचे रहेंगे। किसी किस्म की भी कोई बीमारी वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से होती है तो ये अकेली गिलोय इन तीनों चीजों को बैलेंस करती है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।